पे 25 खबरें। हाथरस हादसे पर एसडीएम ने डीएम को सौंपी रिपोर्ट। घटना के लिए बाबा के ब्लैक कमांडोज को बताया जिम्मेदार। कमांडोज ने धक्का मुक्की के बाद भीड़ हुई थी अनियंत्रित। हाथरस कांड में एसडीएम की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। बाबा के पैर की धूल के लिए मची थी भगदड़। 2 लाख से ज्यादा की थी भीड़। सत्संग के दौरान बाबा के सेवादारों ने लोगों को रोकने के लिए की थी धक्का मुक्की। रिपोर्ट में हुआ खुलासा। हाथरस में घटना स्थल वाली जगह पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। स्थल का किया निरीक्षण। अधिकारियों से ली घटना की पूरी जानकारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस का किया दौरा। अस्पताल पहुंचकर मरीजों से की मुलाकात। दिया हर संभव मदद का आश्वासन। हाथरस में घटना वाली जगह पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। हादसे के बाद इलाके में तनाव का माहौल। हाथरस कांड से नाराज लोगों का फूटा गुस्सा। बाबा सूरजपाल के पोस्टर पर लोगों ने किया जमकर पथराव। बाबा नारायण साकार के मैनपुरी में बने रामकुटी चैरिटेबल ट्रस्ट में छिपे होने की आई खबर। बाबा के एक सेवादार ने की पुष्टि। हाथरस भगदड़ मामले में बाबा सूरजपाल की तलाश में छापेमारी तेज। यूपी में 8 जगहों पर पड़े छापे। हाथरस हादसे में ठीक पहले की तस्वीरें सामने आई है। सत्संग में नजर आई श्रद्धालुओं की भारी भीड़। श्रद्धालुओं की भीड़ के आगे ध्वस्त दिखे सारे इंतजाम। हाथरस में हुए घटना के बाद राहत बचाव का काम जारी। पीड़ितों की मदद के लिए आसपास के जिलों से पहुंच रही है डॉक्टर्स की टीम। उत्तर प्रदेश के हाथरस हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ा। अब तक 121 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल। हाथरस में कार्यक्रम स्थल की ड्रोन तस्वीर आई सामने। 121 मौत के अलावा 28 से ज्यादा लोग घायल हैं। सभी घायलों का इलाज जारी है। हाथरस में हादसे के बाद की तस्वीरें भी सामने आई हैं। घटना स्थल पर लोगों के बिखरे हुए सामान आए नजर। सत्संग के दौरान हुआ था बड़ा हादसा। हाथरस हादसे के बाद भोले बाबा ने मैनपुरी रामकुटी चैरिटेबल ट्रस्ट में पनाह ली है। बड़ी संख्या में जमा हुए अनुयायी। पुलिस प्रशासन ने आश्रम को जाने से रोका। हाथरस में घटना स्थल पर पुलिस ड्रोन कैमरे के जरिए रख रही है निगरानी। सत्संग स्थल पर बड़ी संख्या में मौजूद थे श्रद्धालु। हाथरस सत्संग की हैरान करने वाली तस्वीरें आई सामने। बाबा के निजी सेवादार संभाल रहे थे व्यवस्था। अव्यवस्था की रिकॉर्डिंग करने पर भक्तों से की बदसलूकी। हाथरस में हुए हादसे वाली जगह पर मौजूद फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम। हादसे की जांच तेज। हाथरस मामले में दर्ज FIR में बाबा सूरजपाल का नाम शामिल नहीं है। मुख्य सेवादार समेत अन्य आयोजकों के खिलाफ FIR। हाथरस हादसे पर दर्ज हुई FIR। मामले की गंभीरता से जांच कर रहे अधिकारी। सीएम योगी ने भी दिए सख्त निर्देश। हाथरस में हुई घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने की मांग। हाथरस हादसे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजी गई चिट्ठी। हादसे की CBI जांच कराने की मांग की गई। सत्संग के आयोजन में भारी लापरवाही का खुलासा। आयोजकों ने नहीं बनाया था एग्जिट और एंट्री पॉइंट। भारी भीड़ के बाद भी नहीं थे मेडिकल के इंतजाम। हाथरस भगदड़ कांड में मृतक की मां कमला ने बताई अपनी आपबीती। कहा, घटना में मैंने खो दी अपनी बेटी। सत्संग के दौरान ऐसी घटना कभी नहीं हुई।